स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमा इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट मराठी। आज अपन शिकणार आहोत धड़ा क्रमांक 8, कुंदाचे साहस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, कुंदाचे साहस। अभी साहस किसको कहते हैं, साहस का मीनिंग क्या होता है? साहस यानी ब्रेवरी, यानी उसकी जो शूरता थी उसके बारे में ये चैप्टर हमें बताया गया है। कुंदा करके एक गर्ल होती है, उसने क्या शूरता, कौन सी बहादुरी उसने की होती है, वो इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग चैप्टर को रीड करेंगे, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पावसाळ्याचे दिवस होते, झाडे शेते सर्वच हिरवीगार झाली होती, सर्वत्र प्रसन्न वातावरण होते। गावातल्या सोना नदीला भरपूर पाणी आले होते, पावसामुळे नदीचा प्रवाह वाढत होता। पावसाळ्याचे दिवस होते, पावसाळ्याचे दिवस होते यानी बारिश का मौसम था। झाड़े यानी हमारे जो पेड़ पौधे होते वो, शेते यानी फार्म्स वगैरह, सर्वच हिरवीगार झाली होती, सब जगह क्या हरियाली फैली हुई थी। सर्वत्र प्रसन्न वातावरण, हर जगह पे एकदम खुशी का माहौल था, वातावरण यानी खुशी का माहौल था। गावातल्या सोना नदीला भरपूर पाणी आले होते, गावामध्ये कोणती नदी होती? सोना नदी। सोना नदीला भरपूर पानी आले होते यानी बारिश के मौसम में तो हर जगह बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो गांव में जो सोना नदी जो बहती थी उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था। पावसामुळे नदीचा प्रवाह वाढत होता, और बारिश के वजह से जो नदी का प्रवाह यानी बहने की जो स्पीड होती है वो बढ़ चुका था। आज रविवार, कुंदाच्या शाळेला सुट्टी होती, सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे कुंदा आणि तिच्या मैत्रिणी नदीच्या काठावर खेळायला गेल्या होत्या। कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षीच पोहायला शिकली होती, पाहता पाहता ती पट्टीची जलतरणपटू बनली होती। नदीकाठच्या कडुनिंबाच्या मोठ्या झाडाखाली सगळ्या मैत्रिणी हसत बागडत खेळत होत्या। दूरवर शेतात शेतकरी व काही बायका कामात मग्न होत्या। आज रविवार, कुंदाच्या शाळेला सुट्टी होती, आज क्या था? रविवार था। रविवार था यानी संडे था, तो कुंदा की जो स्कूल थी, कुंदा की क्या, सभी के स्कूल को संडे के दिन छुट्टी होती है। सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे कुंदा आणि तिच्या मैत्रिणी नदीच्या काठावर खेळायला गेल्या होत्या, और छुट्टी का दिन था इसीलिए कुंदा और उसकी जो भी फ्रेंड्स थी, मैत्रिणी यानी जो भी उसके फ्रेंड्स थे, सब नदीच्या काठावर यानी नदी के किनारे खेलने के लिए चले गए थे। कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षीच पोहायला शिकली होती, और जब कुंदा 8 साल की थी तभी उसने स्विमिंग सीख ली थी, पोहायला यानी स्विमिंग सीख ली थी। पाहता पाहता ती पट्टीची जलतरणपटू बनली होती, और देखते पाहता पाहता यानी देखते देखते वो पट्टीची जलतरणपटू यानी स्विमिंग करने में एकदम तरबेज, एकदम माहिर हो चुकी थी। नदीकाठच्या कडुनिंबाच्या मोठ्या झाडाखाली सगळ्या मैत्रिणी हसत बागडत खेळत होत्या। नदीकाठच्या कडुनिंबाच्या मोठ्या झाडाखाली, नदी के किनारे पे कडुनिंब यानी नीम का एक बहुत बड़ा पेड़ था, और उसी पेड़ के नीचे सभी सहेलियाँ जो थी वो हसत बागड़त यानी हंसते खेलते खेल रहे थे। दूरवर शेतात शेतकरी व काही बायका कामात मग्न होत्या, और दूरवर शेतात यानी थोड़ी दूर पर शेतकरी यानी किसान और कुछ बायका यानी लेडीज जो थे वो अपने काम में क्या थे, मग्न यानी एकदम बोलते ना लीन हो चुके थे, एकदम मगन हो चुके थे अपने काम करने में। खेळता खेळता लहानगी रजिया व नीला नदीकडे केव्हा गेल्या ते कळलेच नाही। खेळता खेळता लहानगी रजिया यानी यहाँ पर देखिए कुंदा के साथ में जो उसकी फ्रेंड्स है, एक का नाम क्या है? रजिया, और एक का नाम है नीला। खेळता खेळता लहानगी रजिया व नीला नदीकडे केव्हा गेले ते कळलेच नाही, और खेलते खेलते नीला और रजिया कब नदी के एकदम किनारे पर चले गए पता ही नहीं चला। इकडे कुंदा व तिच्या मैत्रिणी खेळण्यात दंग होता, और इस तरफ कुंदा और उसके कुछ सहेलियाँ खेलने में एकदम मगन थे। तेवढ्यात नीलाचा मोठमोठ्याने ओरडायचा व रडण्याचा आवाज आला, और इतने में क्या हुआ, नीला जोर जोर से रोने लग गई और चिल्लाने लग गई, उसका जोर जोर से रोने का और चिल्लाने का आवाज़ आया। धावा धावा लवकर या, रजिया पाण्यात पडली। नीला जोर जोर से चिल्लाने लगी कि अरे धावा धावा लवकर या, रजिया पाण्यात पडली यानी रजिया पानी में गिर गई है, कुणी तरी वाचवा हो, कोई तो उसे बचाओ। ही हाक कुंदाच्या कानावर पडल्याबरोबरच ती धावतच नदी किनारी पोचली, और जैसे ही ये आवाज़ें कुंदा के कान पर गिरी वो फटाफट नदी के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। आजूबाजू के लोग आवाज़ ऐकून नदीकडे धावू लागले, और आजूबाजू के जो लोग थे वो जोर जोर से ये चिल्लाने की, बच्चों के रोने की आवाज़ सुन के नदी के किनारे पर भागने लग गए। मुलींचा गलका वाढला होता यानी जो जोर जोर से जो चिल्लाने की जो आवाज़ थी वो जोर जोर से आ रही थी। कुंदा धावत येऊन काठावर क्षणभर उभी राहिली, और कुंदा
मतलब जोर जोर से भागते हुए आई और 2-4 मिनट के लिए, क्षण भर यानी 2-4 मिनट के लिए किनारे के ऊपर खड़ी हो गई। रजिया पाण्यात गटांगळ्या खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत चालली होती। रजिया पाण्यात गटांगळ्या खात, गटांगळ्या खानी यानी जो पानी में जब देखो हम लोग गिरते हैं तो हमें स्विमिंग अगर नहीं आती तो हम लोग पानी में ऊपर नीचे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं गटांगळ्या खाने। तो और नदी के पानी के साथ में रजिया गटांगळ्या खात ऊपर नीचे हो रही थी और नदी का जो वेग था यानी जो उसकी स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा थी, इस वजह से रजिया आगे आगे जा रही थी। कुंदा ने शनात नदीच्या पात्रात उडी घेतली और कुंदा ने देखते देखते शनात नदीच्या पात्रात उडी घेतली यानी कुंदा ने देखते देखते जोर से नदी के पात्र यानी बीच में नदी के बीच में उडी मारी। वह सर सर पोहत रजियाच्या दिशेने निघाली और जोर जोर से सर 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 यानी फटाफट पोहत यानी स्विमिंग करते हुए रजिया की तरफ जाने लगी। तो वह आजू बाजू के लोग जमा डाले और उस तब तक इतना सब होने तक आजू बाजू के लोग सब यहाँ पर आप लोग देख रहे रहोगे, देखो सब लोग खड़े वो जमा हो गए। अरे अरे रजिया बुड़ते आए और लोग चिल्लाने लगे कि अरे अरे देखो रजिया डूब रही है, एवडीसी कुंदा तिला कशी वाचवणार, इतनी सी जो कुंदा है वो उसे कैसे बचाएगी। लोग जोरा जोरात ओरडत होते और लोग जोर जोर से क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुंदा पाण्याचा वेग वाढतो आहे माघारी फिर। और लोग क्या बोलने लगे कि कुंदा पानी की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, तुम वापस आ जाओ। जमलेली माणसे ओरडत होती, कुंदाला फक्त रजिया दिसत होती और कुंदा को सिर्फ सिर्फ रजिया दिख रही थी, कसे ही करून तिला वाचवायचे होते एवढाच विचार तिच्या मनात होता। और कुंदा के मन में उसके दिमाग में एक ही सोच चल रही थी कि मुझे कैसे भी करके रजिया को बचाना है और मुझे उसको बाहर लाना है। कोनाचे ही शब्द तिच्या कानावर पड़त नव्हते और किसी की भी आवाज़ किसी की भी कोई भी बात उसके कान पर नहीं जा रही थी। भर भर पोहत कुंदा रजिया जवळ पोहोचली, भर भर पोहत यानी फटफट फटाफट तैरते हुए कुंदा रजिया के पास पहुंच गई। रजिया घाबरली होती और रजिया डर चुकी थी बहुत, क्योंकि पानी का जो फ्लो था वो भी बहुत ज़्यादा था, नदी भी गहरी थी और रजिया को तैरने भी नहीं आता तो वो बहुत डर चुकी थी। तिचा नाका तोंडात पानी गेले होता और उसके नाक और मुंह में भी पानी भर चुका था। रजिया घाबरू नको, मी आले ना, मी आले आहे। तो कुंदा ने उसको जोर से क्या कहा कि रजिया तुम डरो मत, मैं यहीं पर हूँ, मैं आई हूँ, आता फक्त माझ्या दंडाला घट्ट धर। उसने क्या कहा कुंदा ने कि आता तू फक्त माझ्या दंडाला यानी मेरे हाथ को तुम घट्ट पकड़ो यानी जोर से तुम पकड़ के रखो बस, और मैं आ गई हूँ, तुम डरो मत। कुंदा ने रजियाला काठाकड़े आनले, कुंदा ने क्या किया रजिया को तैरते हुए उस नदी के किनारे तक लेकर आ गई। तोवर लोकांनी मोठा दोर पाण्यात सोडला होता और तब तक लोगों ने क्या किया था, जो एक बड़ी सी रस्सी थी दोर यानी रस्सी नदी के अंदर छोड़ दी थी। कुंदा ने तला धरले और कुंदा ने उस रस्सी को पकड़ लिया। सर्वांनी या दोगिना बाहर काढले और सभी लोगों ने फिर रस्सी खींच के वो दोनों को बाहर निकाला। ही बातमी गाँव भर पसरली और ये जो बात थी कि रजिया पानी में गिर गई, कुंदा उसको बचाने के लिए पानी में कुंदा ने उड़ी मारी उसको बचाया, ये सब जो बातमी थी यानी ये जो न्यूज़ थी वो पूरे गाँव भर में फैल चुकी थी। ही बातमी रजियाच्या घरी पोहोचली, तिची आई धावत धावत आली और रजिया के घर पे भी ये बात पता चली कि रजिया नदी में गिर गई, तो उसकी माँ भागते हुए आई। त्या दोगी सुखरूप पाहून तिने दोगींना घट्ट कवटाळले, उन्होंने देखा कि दोनों क्या है सुखरूप यानी दोनों सही सलामत है ठीक है, तो उन्होंने दोनों को घट्ट कवटाळले, कवटाळले यानी दोनों को एकदम जोर से गले लगाया। तिच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले और उसकी मम्मी जो रजिया की मम्मी थी उनकी आँखों में से आनंदाश्रू यानी खुशी के आंसू निकल रहे थे। कुंदा आज तुझ्यामुळेच माझ्या रजियाचा जीव वाचला आहे, केवढी धाडसी मुलगी आहेस तू। और उसकी मम्मी ने क्या कहा कि कुंदा आज तुम्हारी वजह से ही मेरी रजिया की क्या है जान बची है, कितनी धाड़सी मुलगी आहेस तू, कितनी यानी मतलब बोलते हैं ना कि कितनी ब्रेव है तुम कितनी साहसी हो, तुम कितनी हिम्मत वाली लड़की हो, आज तुम्हारी वजह से ही मेरी जो रजिया है इसकी जान बची है। रजिया ने कुंदाला मीठी मार ली और रजिया ने भी क्या किया कुंदा को मीठी मार ली यानी गले लग गए। तोवर कुंदाचे आई बाबा आले और तब तलक कुंदा के मम्मी डैडी भी वहाँ पर आ गए थे। कौतुकाने व अभिमानाने त्यांनी मुलीला जवळ घेतलं, कौतुकाने यानी एकदम बोलते ना उनको प्राउड फीलिंग हो रही थी, अभिमानाने और बहुत उनको एकदम बोलते ना अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी कि मेरी बेटी की वजह से किसी की जान बची है।
आज साऱ्या गावात कुंदाच्या साहसीचीच चर्चा होती। आज सब पूरे गांव में जो कुंदा की जो साहस यानी जो उसकी ब्रेवरी है, जो उसने किया है, उसकी क्या हो रही है, चर्चा हो रही है। साऱ्यांच्या कौतुकांच्या वर्षावाने कुंदा आनंदून गेली। साऱ्यांच्या कौतुकांच्या वर्षावाने यानी जो सब लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रही, ये सब बातें सुन के कुंदा बहुत खुश हो चुकी है। इसी तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 कुंदाचे साहस, इसका एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच।